अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कल आप लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, किसी बॉडी का जो मैस और उसकी वेलोसिटी जो है, उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेशन या आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग होना, ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो कोई फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट मीन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और हमने इसको अब प्रूव भी करना है। ठीक हो गया, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का क्या मतलब है कि फर्ज करो ये दो बॉल्स हैं, इसका मैस एम वन है, इसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वी वन आई, ये दूसरी बॉडी है इसका मैस एम टू है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी टू आई। अब क्या होगा, दोनों बॉडी जो है वो एक ही तरफ को मूव कर रही है, और यहां पर ये बात याद रखें कि वी वन आई जो है ये हल्की सी थोड़ी सी ज्यादा है किससे, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी से। जाहिर है फिर ही तो ये आपस में कोलाइड करेंगी, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो कभी भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगी, और ये दोनों बॉडी जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। अंडरस्टैंड, अब देखें यहां लिखा हुआ उसने, मैं इसको पढ़ देता हूं साथ ही। कंसिडर टू बॉल हैविंग मैसेज एम वन एम टू आर मूविंग विद वेलोसिटीज वी वन आई एंड वी टू आई ऑन द सेम लाइन सच दैट वी वन आई जो है वो ग्रेटर है किससे, वी टू आई से। ठीक, कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जिसका मैस एम वन है मैस, इसकी जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी वी वन एफ और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी टू एफ। कोलिजन करने के बाद ये दोनों आपस में सेपरेट होंगे, चूंकि जो कोलिजन जो है वो हम ले रहे हैं इलास्टिक, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होगी, दोनों सेपरेट होंगी। तो फिर क्या होगा, देखें आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी बोथ मेक एन इलास्टिक कोलिजन, दोनों इलास्टिक कोलिजन करेंगे। ये बात याद रखें कि इस टॉपिक में हम इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस कर रहे हैं, नॉट इन इलास्टिक। ठीक है, एंड मूव विद वेलोसिटी वी वन एफ एंड वी टू एफ, टकराने के बाद जब ये सेपरेट हुई तो उसी लाइन में मूव करती रही, फिर इनकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल हो जाएगी, तो जहां पर आई लिखा हुआ था वहां पर अब क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अंडरस्टैंड, और इसकी जो वेलोसिटी दूसरे की वो क्या हो जाएगी, वी टू एफ। तो फिर अगर हमने इनकी इंपल्सिव फोर्स निकालनी हो, जाहिर है एक लम्हे के लिए टकराएंगी, तो एक लम्हे के लिए जो फोर्स एक बॉडी दूसरे पर या दूसरी जो है वो पहले पर लगाती है उसको हम इंपल्स कहते हैं। तो जो इंपल्सिव फोर्स है, आपने आप लोगों ने कल पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये देखें यहां लिखा हुआ है द इंपल्सिव फोर्स एफ, ये देखें एफ वन इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अगर आप यहां पर डी पी वन लिखें तो ये ज्यादा बेस्ट है, यहां पर आप लिख सकते हैं डी पी वन, आप इसको लिख सकते हैं डी पी टू। ठीक है, अब ये कैसे फार्मूला है, ये आप लोगों ने कल पढ़ा हुआ है, एफ वन इज इक्वल टू डी पी वन ओवर डी टी। यहां पर ये कैसे फार्मूला बना भाई, डी पी वन, तो देखें ये जो बॉडी है इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा, यहां पर अगर मैं मोमेंटम लिखूं ऊपर दोबारा, यहां पर अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो मोमेंटम होता है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो यहां पर आ जाएगा एम वन वी वन आई, ये इसका मोमेंटम हो गया। इसका मोमेंटम अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा एम टू वी टू आई। ठीक है, इस तरह इसका मोमेंटम लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा एम वन वी वन एफ, इसका मोमेंटम लिखा जाए तो ये आ जाएगा एम टू वी टू एफ। अंडरस्टैंड, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। तो ये जो लिखा हुआ है एफ वन इज इक्वल टू, आप लोगों ने कल पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो मैंने ये लिखा है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो चूंकि एफ वन है तो ये डी पी वन होगा, तो चेंज इन मोमेंटम को किस तरह लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों ये फाइनल मोमेंटम है M1 का, ये M2 का क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल देखें M1 V1 F माइनस M1 V1 I ओवर dt। इसी तरह सेकेंड बॉडी जो है
सिमिलरली इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मैस एम टू, एम टू के ऊपर जो इम्पल्सिव फोर्स लगेगी वो क्या होगी, ये देखें, एफ टू इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल ये सेकेंड बॉडी का मोमेंटम डी पी टू ओवर डी टी। तो अब सेकेंड बॉडी के लिए लिख लें, यानी कि जहां जहां एम वन था अब वहां पर हमने एम टू लिख देना, बाकी सारा वही है। ठीक, ई एफ टू आ गया आपके पास। देखें जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट। एक्शन इक्वल होगा लेकिन क्या होगा, अपोजिट, इसमें से एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा नेगेटिव। अब एक फोर्स जो है वो पॉजिटिव और एक क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, F2 वो फोर्स है जो M1 ने लगाई M2 के ऊपर, और इसी तरह F1 वो फोर्स है जो M2 ने लगाई किस पर, M1 पर। अंडरस्टैंड? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, ये देखें, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। F1 किसी को पॉजिटिव कर दें, जिसको मर्जी आप नेगेटिव कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो ये मैंने आपके सामने F1 की वैल्यू लगा दी, ये जो है ये आपके सामने F2 की वैल्यू लग गई। उसी तरह यहां से F2 ले लिया हमने, यहां से हमने F1 ले लिया, तो देखें क्या होगा, इसको कर लेंगे सॉल्व। ये देखें ये आ जाएगा M1, इसको सॉल्व कैसे करना है जरा देख लेते हैं। देखें इसको हम सॉल्व कुछ इस तरह करेंगे, देखिए मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। इसने लिखा F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन ये माइनस का, तो F1 की वैल्यू हम लगा देते हैं M1 V1 F माइनस M1 V1 I ओवर डी टी इज इक्वल टू F2 की वैल्यू माइनस, उसी तरह आएगा बच्चों ब्रैकेट लगा लेंगे हम, यहां पर आ जाएगा M2 V2 F माइनस M2 V2 I, अंडरस्टैंड, ओवर क्या आ जाएगा डी टी। अब ये डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एम वन वी वन एफ माइनस एम वन वी वन आई इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में आ गया एम टू वी टू एफ माइनस एम टू वी टू आई। ठीक हो गया, अब हम इनको रीअरेंज करेंगे। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो क्या होगा, देखें टकराने से पहले मोमेंटम, देखें ये बॉडी है, इसका मैस है m1, इसकी वेलोसिटी थी v1i, ये जो बॉडी है इसका मैस है m2, इसकी वेलोसिटी थी v2i, यहां पर जो इसका मोमेंटम है वो है m1 v1i, अंडरस्टैंड, इसका जो मोमेंटम है वो क्या है v2 एम टू वी टू आई। जब ये टकराए, टकराने के बाद नाम तो इसका एम टू एम वन ही रहा, लेकिन इसकी इसका जो मोमेंटम अब क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा अब विलासिटी इसकी आ जाएगी वी वन एफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका मोमेंटम क्या होगा एम वन वी वन एफ। ठीक, अब इस ये जो एम टू था टकराने के बाद इसका मैस एम टू ही रहा, लेकिन विलासिटी इसकी क्या होगी वी टू एफ, तो इसका मोमेंटम क्या होगा m2 v2 f। अब ये इनिशियल मोमेंटम हो गया m1 का, ये m2 का फाइनल मोमेंटम हो गया, तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा इसका और इसका जमा, मतलब यहां से ऐसे आ जाएगा m1 v1 i प्लस m1 v1 f, अंडरस्टैंड, ये चीज आ जाएगी। और इसी तरह इज इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा m2 v2 i प्लस एम टू वी टू एफ, कुछ इस तरह की रिलेशन हम चाह रहे हैं, ये बननी है हमारे पास। ठीक है, इस तरह ये होगा, देखें हमने यहां पर यही किया, किया जाएगा एम वन वी वन एफ माइनस एम वन वी वन आई माइनस, अब ये यहां पर ऐसा करना आपने कि जो है ना फर्स्ट बॉडी जो है उनका जो मोमेंटम है वो अलग कर लेना, सेकंड का अलग कर लेना, देखें एम वन वी वन आई प्लस एम टू वी टू आई, अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा एम वन वी वन एफ प्लस एम टू वी टू एफ। इनिशियल मोमेंटम एक साइड पे कर लिया हमने और जो फाइनल मोमेंटम है वो हमने एक साइड पे कर लिया, तो ये टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर आ गया किसके, टकराने के बाद का मोमेंटम। तो ये किस चीज़ का ये प्रूफ है, ये प्रूफ है दिस रिलेशन शोज दैट
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये देखें हुआ ये कैसे है? ये देखें, ये माइनस वाला था ना, जब ये उधर जाएगा तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का, इधर आके ये प्लस का हो गया, बस और कुछ भी नहीं किया। तो फिर इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हेंस लॉ इज प्रूव। इस तरह ये लॉ जो है वो क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है अगला, वो क्या है कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, डिस्कस इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। चूंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।